हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y22 डिवाइस के अंदर आप स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग होता है कि आप अपने फ़ोन में डबल स्क्रीन यूज कर सकते हैं, आप डबल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, डबल वीडियो को चला सकते हैं, डबल फोटो एक साथ अपने फ़ोन में देख सकते हैं। उसमें कैसे सेटिंग करना है, क्या क्या उसमें सेटिंग करना है, कैसे करना है, उसको कैसे यूज करना है, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए हम आपको अपने स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग करना है। दोस्तों, आप देख रहे जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे जैसे अपने सेटिंग को ओपन करते हैं, आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे शो हो रहा, और सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा देखने को। तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करना है और आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है शॉर्टकट एसेसिबिलिटी का ऑप्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है सेटिंग में शॉर्टकट एसेसिबिलिटी का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको सेकंड नंबर पे मिलता है स्मार्ट स्प्लिट। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट स्प्लिट, आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनेबल स्क्रीन स्प्लिट, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है उसका डेमो दिखा रहा है कि आपके फोन में किस तरह से यहाँ पे आपको जो अपने डबल स्क्रीन करना है उसको कैसे करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको थ्री फिंगर से नीचे से ऊपर की तरफ आपको फ्लिप करना है और इसके बाद आपके फोन में जो ये सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपके फोन में दो स्क्रीन हो जाएगा और वहां पे आप दोनों स्क्रीन पे अपने एप्लीकेशन को और अपने वीडियो को वहां पे यूज कर पाओगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपको जैसे यहाँ पे कुछ सेटिंग है इनेबल करना है और आप देख रहे हैं स्लाइड अप विथ फिंगर टू स्लिप स्क्रीन, आप देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है और ये वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करते हो आपके फोन में ये सेटिंग इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैसेज स्क्रीन स्प्लिट, आपको ये ऑप्शन है तो आपको इसको भी इनेबल कर लेना अपने फोन में। और जैसे आप इसको इनेबल करोगे आपके नीचे चार ऑप्शन मिलते हैं, इन चारों ऑप्शनों को भी आपको इनेबल कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज, मैसेंजर, आपको इन चारों ऑप्शनों को भी इनेबल कर देना अपने फोन में, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में तभी यूज होगा जब आप यहां से इनेबल करोगे। अगर इनको इनेबल नहीं करोगे आप इन चारों एप्लीकेशन में आप इनको यूज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट नंबर पर क्या करना है, इन चारों एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज इनेबल कर देना है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सेटिंग है इसको इनेबल कर देना है, इसके बाद आप इन चारों एप्लीकेशन में यूज कर पाओगे। इसके अलावा और भी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ऑलरेडी ये यूज होगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको इसको सेटिंग कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको जैसे सेटिंग कर लिए और जब इसको आपको यूज करना होगा तो आपको ऐसे नीचे से थ्री फिंगर मतलब तीनों उंगुल से ऐसे करके आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्लिप करना है। इसके बाद आपके फोन में दो स्क्रीन हो जाएगी, मतलब आप जैसे एक वीडियो चला रहे हैं वीडियो आधी स्क्रीन पे हो जाएगी और आधी स्क्रीन पे आपका जो होम स्क्रीन है वहां पे यूज होगा, जो आपके एप्लीकेशन है वहां पे शो हो जाएंगे और वहां से आप उनको मैनेज कर पाओगे। किसी को मैसेज करना, किसी को फोन करना है, कुछ भी करना आप वहां से आधी स्क्रीन से कर पाओगे। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं आपको किस तरह से इसको यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं और हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्योंकि डबल आप जो एप्लीकेशन है यूज तभी होगा जब हम किसी एक एप्लीकेशन को ओपन किए रहेंगे और हमको इमरजेंसी में किसी को मैसेज करना है या किसी को फोन करना है, कोई भी चीज़ करना होता है तो हमको वहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ता है बैक होके। तो उसमें हमको बैक नहीं होना होगा, हमको थ्री फिंगर स्लिप करना होगा, आपको वहीं पर स्लिप करना, कोई भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं तो वहां से आपको क्या करना है, बैक नहीं होना, ऐसे थ्री फिंगर स्लिप कर देना है। इसके बाद आपके आधी स्क्रीन जो है वहां पे आपके डेस्कटॉप वहां पे शो हो जाएगा और वहां से आप मैनेज कर पाओगे। तो यहां पे हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो जहां पे हम जैसे यूट्यूब को ओपन कर लिए हैं, आप देख रहे हैं हमारा जो यूट्यूब है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब है यहाँ पे ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे इसको थ्री फिंगर स्लिप करते हैं। आप देख रहे हैं हम अपने फोन में यहाँ पे थ्री फिंगर स्लिप करते हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे थ्री फिंगर स्लिप करते हैं हमारे फोन में यहाँ पे दो स्क्रीन आ जाता है। आप देख रहे हैं हमारे फोन के जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इनको यूज कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं कोई भी हमको एप्लीकेशन या कुछ भी यूज करना है तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, आप देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन किए तो हमारे व्हाट्सएप देख रहे हैं आप यहाँ पे शो हो जाता है। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप को हम यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप है यहीं पर चल रहा है और हमारा यूट्यूब भी ऊपर में चल रहा है। आप देख रहे हैं जो हमारा यूट्यूब है यहाँ पे ऊपर चलेगा और यहाँ पे चलेगा हमारा जो व्हाट्सएप है। तो इस तरह से आप अपने फोन में डबल स्क्रीन करके डबल एप्लीकेशन को डबल वीडियो को आप यहां से चला सकते हो। आप देख रहे हो हमारा ऊपर में यूट्यूब चल रहा है और नीचे हमारा जो है आप देख रहे हैं व्हाट्सएप चल रहा है। इस तरह से आप अपने फोन में डबल स्क्रीन करके अपने फोन में यूज कर सकते हैं, दो दो चीज एक साथ में आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में स्प्लिट स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इसको सेटिंग कर ले और अपने फोन में इसको यूज करें और ये काफी अच्छा सेटिंग है क्योंकि आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको बैक नहीं होना होगा और वहीं से आप अपने एप्लीकेशन या मैसेज को किसी को कुछ करना है इमरजेंसी में तो वहां से आप उसको मैनेज कर पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।